हेलो टीचर्स, मेरा नाम है सोहन और मैं आपका स्वागत करता हूं क्लास प्लस के यूट्यूब चैनल पर। अगर ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस को बढ़ाने की है बात तो क्लास प्लस है हर कदम पर आपके साथ। अगर आप एक टीचर हैं, एजुकेटर हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप काफी लोगों को बहुत कुछ सिखाते होंगे, मगर यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो काफी डिटेल्ड होने वाली है, बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं आप कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना कर दें। याद रखिए, एक भी पॉइंट छूटा ग्रोथ कवच टूटा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। मतलब अगर टीचर और गॉड एक साथ खड़े हों तो पहले किसके सामने सर झुकाना चाहिए? तो पहले गुरु के सामने सर झुकाना चाहिए, जिसकी वजह से ईश्वर को जानने को मिलता है। तो अगर टीचर की इतनी इंपॉर्टेंस है कि उसको भगवान से भी ऊपर रखा गया है तो उसमें क्वालिटीज भी कमाल की होती होंगी। तो आज हम बात करेंगे कि टीचर में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहली क्वालिटी जो एक टीचर में होनी चाहिए वो है पेशेंस एंड अप्रोचेबल। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब हर चीज टाइम लेती है। अगर माली एक साथ 100 घड़े पानी भी किसी पेड़ में डाल दे तब भी उस पर फल तो सीजन आने पर ही आएंगे। इसलिए एक टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें धीरे से काम लेना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स जल्दी सीख जाते हैं तो कुछ को टाइम लगता है। साथ ही साथ टीचर को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स उनसे खुलकर बात करें, चाहे उन्हें सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर पर्सनल लाइफ में। अगर वो आपसे खुलकर बात कर पाएंगे तभी आप उन्हें समझ पाएंगे और उन्हें एक बेहतर सॉल्यूशन दे पाएंगे। अगली क्वालिटी है पैशन फॉर टीचिंग। ऐसा काम करने से कोई फायदा नहीं जिसमें आपका मन ही ना हो। एक बेहतर टीचर या आइडल टीचर वही हो सकता है जो अपने काम के लिए पैशनेट हो, जिसे पढ़ाना या स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना या फिर पेरेंट्स से डील करना बोझ ना लगता हो, बल्कि उन्हें इस काम में मजा आता हो। अगली क्वालिटी है कम्युनिकेशन स्किल्स। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए। मतलब आप जब भी किसी से बात करें तो आपको भी अच्छा लगे और सुनने वाले को भी। टीचर्स को आइडियाज एंड थॉट्स पर काम करना होता है, स्टूडेंट्स को हर चीज अच्छे से समझानी होती है और टाइम टू टाइम पेरेंट्स को भी बहुत कुछ समझाना पड़ता है। तो ऐसे में टीचर्स की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती है। अगली क्वालिटी है डिसिप्लिन। किसी भी प्रोफेशन में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है और एक टीचर के तौर पे तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप पर स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी होती है। आप जैसा व्यवहार करेंगे स्टूडेंट्स आपसे वैसा ही सीखेंगे। तो एक टीचर के तौर पर स्टूडेंट्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, खुद के लिए और अपने कलीग्स के लिए आपको डिसिप्लिन होना चाहिए। अगली क्वालिटी है आपकी नॉलेज। एक टीचर के लिए उसका ज्ञान या नॉलेज ही उसका सम्मान है। आपको आपके सब्जेक्ट की या अपनी फील्ड की डीप नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो हर क्लास प्रीप्लान्ड होती है तो आप हर टॉपिक अच्छे से रेडी करके जा सकते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट्स के डाउट्स प्रेजेंट टॉपिक से रिलेटेड ना हो, तो वहां आपकी नॉलेज और सूझबूझ ही काम आती है। तो स्टूडेंट्स, कलीग्स या पेरेंट्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कहीं से भी कुछ भी पूछ लें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास जरूर पसंद आई होगी और आपको यह भी पता चल गया होगा कि एक आइडल टीचर की क्या क्वालिटीज होती हैं। तो वैसे तो मैं जानता हूं कि अगर आप एक टीचर हैं तो आप में ये सारी क्वालिटीज जरूर होंगी, लेकिन इंप्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है। तो आप इन क्वालिटीज को और इंप्रूव करते रहिए। तो ये तो हो गई आपकी बात, अब करेंगे ऐप की बात। तो अगर आप एक टीचर हैं या अपना कंटेंट ऑनलाइन सेल करते हैं तो आप भी क्लास प्लस से अपने खुद के ब्रांड का एक ऐप बनवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ।